सोमवार की सुबह नंदनी रोड हाउसिंग बोर्ड मोड़ के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर के चालक ने बाइक सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जामुल पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर ट्रेलर को जब्त कर लिया है। पावर हाउस चौक से ACC चौक तक नंदनी रोड में दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। ACC चौक की ओर से तेज और अनियंत्रित रफ्तार से आ रहे ट्रेलर चालक ने बाइक सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई और सड़क पर खून फैल गया। वहीं दूसरे युवक को मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची जामुल थाना पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर ट्रेलर को जब्त कर लिया है। स्थानीय रहवासी राजू शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये भैया जो है छावनी चौक से सीसी चौक के बीच का जो मार्ग है ना, इस बीच में जो है ना आए दिन दुर्घटना हो रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले ही है अपना कुसुम पेट्रोल पंप के आगे ही जो मारुति का गैरेज है वहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ था। हाशिम रोड को लेकर मियाँ भी दोनों स्पॉट पर खत्म हो गए। आज फिर वही एक दुर्घटना हुई है। इस बीच में यहाँ पर बीच में डिवाइडर नहीं है। डिवाइडर नहीं होने से क्या होता है, एक ही बैग से गाड़ी आते हैं लोग, यहाँ डिवाइडर बनाया गया। यहाँ पर आए दिन दुर्घटना हो रहा है और अभी स्पॉट पर ही एक जो है दो सज्जन बाइक में थे, एक ट्राला वाला चढ़ा दिया है, फुल स्पीड में ट्राला वाला भगाते हुए जा रहा था। हम लोग चिल्लाए हैं यहाँ के लोग, मगर फिर भी वो नहीं रोका है और लास्ट में जब वो चढ़ा दिया पहिया, जब वो खत्म हो गया तब रोका है। और यहाँ पर हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ पर डिवाइडर बनाया जाए बीच में, जो गैप बचा हुआ है, अगर डिवाइडर बन जाएगा तो यहाँ पर दुर्घटना होने से कुछ तो बचत होगी। हम इस वक्त खड़े हैं नंदनी रोड व्यस्तम मार्ग में। आज अभी सुबह सवेरे की बात है, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक का ट्राला खड़ा हुआ है। इस ट्रालर के चपेट में आने की वजह से अभी एक नौजवान युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बताया प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा हमें बताया गया है कि अभी ट्रालर काफ़ी तेज रफ्तार से दो मोटरसाइकिल सवार युवकों को खींचता हुआ आ रहा था, जिसकी वजह से इस स्थान पर एक युवक की मौत हो गई। जो दूसरा उसका एक साथी है उसे डायल 112 में लेकर के इलाज के लिए पुलिस द्वारा जामुल थाना पुलिस द्वारा पहुंचाया जा रहा है। फरार होने की कोशिश कर रहा है ट्रेलर के चालक को जामुल थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि कुछ माह पूर्व ही छावनी चौक के समीप पेट्रोल पंप के पास इसी तरह के बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें पति पत्नी जो कि पावर हाउस से हाउसिंग बोर्ड अपने निवास की ओर आ रहे थे, उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और उस दौरान भी इसी प्रकार की स्थिति निर्मित हुई थी। हालांकि वह वक्त शाम का समय था, उन दोनों को भी एक भारी वाहन चालक ने अपनी चपेट में ले लिया था। क्योंकि लगातार अभी ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात सप्ताह चलाया जा रहा है, इस तरह का यातायात सप्ताह कल एक युवक की नेहरू नगर ओवरब्रिज में मौत होगी गाड़ी से स्लिप होने की वजह से, हालांकि बताया जा रहा है, लेकिन घटना किस तरह से घटित हुई इसकी अभी तो इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। इस नंदिनी रोड को लेकर आए दिन इस तरह की छूटपूट घटनाएं होती रहती हैं, विशेषकर छावनी चौक से लेकर ACC चौक के मध्य। हालांकि नो एंट्री का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया था, लेकिन क्या समय है क्या नहीं, 2400 घंटे यहाँ पर भारी वाहनों की आवाजाही बने रहती है। इस मार्ग से यह काफ़ी व्यस्तम मार्ग है, जामुल से लेकर के पावर हाउस से लेकर के नंदनी से लोगों का आना जाना लगे रहता है। जो आसपास औद्योगिक संस्थान संचालित है उसमें काफ़ी संख्या में लोग कार्य करते हैं, लोगों की आवाजाही सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बनी रहती है। इस दौरान अनियंत्रित रफ्तार से इस तरह के वाहन चालक सड़कों पर दौड़ते रहते हैं, पुलिस की गश्त रहती है, पुलिस आती है खाना पूर्ति करती है और चले जाती है। दुर्घटनाओं को रोकने शासन प्रशासन द्वारा किसी तरह की पहल नहीं की गई। यातायात सप्ताह के दौरान इस तरह की घटनाएं लगातार घटित होना बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। हालांकि पुलिस द्वारा एक अन्य घायल युवक को ज़्यादा चोटें नहीं आई, उसे अस्पताल मुआवजे के लिए लेकर के जाया जा रहा है। अभी हालांकि दोनों जो युवक हैं ड्यूटी के हाउसिंग बोर्ड की ओर से आ रहे थे, अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, इस दौरान एक ट्रेलर की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। नंदिनी रोड की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद अब गौर करने वाली बात यह रहेगी कि नंदिनी रोड में दुर्घटनाओं को रोकने पुलिस प्रशासन यातायात पुलिस द्वारा किस तरह की पहल की जाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।